दोस्तों कई बार हम घर से निकलते हैं अच्छे से कपड़े पहन के अपने हिसाब से, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं लोग ये बोलते हैं, अरे कैसा कपड़ा पहना है, कैसा दिख रहा है तू। उसको सोच के ही हमारा आधा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं कि कैसा कपड़ा पहना है, अच्छा नहीं लग रहा है शायद, तभी उसने बोला। मैं कहता हूं कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यह हक मत दो कि वो आपको क्रिटिसाइज करे। कई बार हम अपने मन पसंद का कोई चीज खरीद के लाते हैं, सामने वाला कोई बोल देता है कि अरे यार बस तू यही खरीद के ला, अरे यार इसका परफॉर्मेंस अच्छा, तो हम लगते हैं वही सोचने कि शायद वो अच्छा नहीं होगा, और हम अपने माइंड में एक उसका इमेज तैयार कर लेते हैं कि ये चीज अच्छा नहीं होगा। दुनिया में किसी को भी हक मत दो कि जो आप कर रहे हो उसके लिए वो आपको कोई व्यक्ति है जो क्रिटिसाइज करे। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदक को अपने पास रखना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि तभी एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन इतने भी निंदा करने वाले लोग नहीं चाहिए, इतने भी निगेटिव लोग नहीं चाहिए कि आपको हर समय निगेटिविटी का पाठ पढ़ाते रहे, हमेशा आपकी टांग खींचती रहे। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर आगे जा रहा होता है तो उसका पीछे वाले, उसके साथ वाले ही उसका टांग खींचने में लगे रहते हैं, यार यार ये आगे कैसे जा रहा है, मैं इसकी टांग खींचो, इसको नीचे पढ़ो। हमें ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बना के रखना है। अगर कोई बहुत ज्यादा क्लोज है और हमेशा वो निगेटिविटी का पार्ट पढ़ाता है या फिर हमेशा क्रिटिसाइज करते रहता है, तो उसी व्यक्ति से पूछो कि ठीक है इसको करेक्शन करने के लिए क्या उपाय है ये बताओ। अगर वो उपाय नहीं बता पाता, वो व्यक्ति उपाय नहीं बताता, तो उससे दूरी बनाओ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लो कि आप जो कर रहे हो बेस्ट है कि नहीं। आप जो भी कर रहे हो अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चीज में किसी और के सलाह से कि अरे यार ये अच्छा नहीं है तू क्यों कर रहा है, उस सजेशन में मत इन्वॉल्व हो। आपको अपने हिसाब से अपने तरीके से सोचना है। अगर आपके हिसाब से वो चीज बेटर लग रहा है देन डोंट आस्क एनीबॉडी कि मैं कैसा दिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप खुद को अच्छे दिख रहे हो तो दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि अच्छा दिखो या बुरा दिखो। तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ये हक मत दो कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको वो क्रिटिसाइज करे, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करते रहो। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे।